साल 2017 में आई फिल्म हिंदी मीडियम तो आपको याद ही होगी। हिंदी मीडियम के जिक्र से आप समझ ही गए होंगे कि हम बात इरफान खान, राधिका मदान और करीना कपूर स्टार ऑफ फिल्म अंग्रेजी मीडियम की कर रहे हैं। फिल्म अंग्रेजी मीडियम आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसी के साथ इरफान खान ने 2 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर ली है। इरफान खान को एक बार फिर लंबे समय के बाद वापसी करता देख फैंस काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे फैंस की इस खुशी पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। जी हाँ, देश के अधिकांश हिस्सों में कोरोना के बढ़ते कहर से बचने के लिए सिनेमाघरों को बंद करने का फैसला लिया जाने लगा है, जिससे फैंस को निराशा और फिल्म को नुकसान होना स्वाभाविक है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में रिलीज हुई बागी 3 को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। खैर, बात अगर अंग्रेजी मीडियम की करें तो कैंसर से लड़ने के बाद इरफान 2 साल बाद इस फिल्म के साथ लौटे हैं और इसी बीमारी से जूझते हुए इरफान ने फिल्म की शूटिंग पूरी की। इरफान का इलाज लंदन में ही चल रहा है, इसीलिए फिल्म का ज्यादातर हिस्सा लंदन में ही शूट किया गया है। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी और किरदारों की। फिल्म में इरफान खान के अलावा मुख्य भूमिका में करीना कपूर और राधिका मदान भी हैं। कॉमेडी, मस्ती, ह्यूमर और इमोशन से भरी इस फिल्म की कहानी क्या आपको इसे देखने पर मजबूर करती है, बताते हैं आपको। फिल्म की कहानी शुरू होती है चंपक बंसल यानी इरफान खान से, जो उदयपुर में घसीटाराम मिठाई वाले के नाम से फेमस हैं। घसीटाराम उनके दादा का नाम था, तब से उनका काम जोरों शोरों से चल रहा है। चंपक की पत्नी इस दुनिया से जा चुकी हैं। अब उनकी जिंदगी में उनकी बेटी तारिका यानी कि राधिका मदान है। उनकी सारी खुशी उनकी बेटी के इर्द गिर्द ही घूमती है और वो अपनी बेटी की हर खुशी और हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। तारिका का शुरू से ही एक सपना था कि वो अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी करे, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके टॉप करती है। लेकिन चंपक की जिंदगी में बाकी भाई बंधुओं से संपत्ति को लेकर झगड़े चलते हैं, जो उसे अदालत तक ले जाते हैं। लेकिन जब उसकी बेटी कॉलेज की टॉपर बनती है तो उसके सामने बेटी का सपना जरूरी हो जाता है, जिसमें उसका कजन गोपी यानी कि दीपक डोबरियाल उसकी मदद भी करता है और आखिर उसकी बेटी की मेहनत रंग लाती है और उसे लंदन जाने का मौका मिल ही जाता है। कहानी में यहाँ तब एक टर्न आता है जब अपनी बेटी को अकेले भेजने के लिए चंपक तैयार नहीं होता, इसलिए गोपी के साथ वो लंदन चला जाता है। वहाँ की भाषा और वहाँ की परेशानियों को झेलते हुए उनका टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। वहाँ की जिंदगी और उदयपुर की जिंदगी, वहाँ की लैंग्वेज और उदयपुर की भाषा का टकराव फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। कई जगह पर थोड़ी नाटकीयता भी नजर आती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद होमी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने फिल्म को कहीं पर भी टूटने नहीं दिया और वो शुरू में जो सब्जेक्ट लेकर चले थे उन्होंने फिल्म में आखिर तक निभाया। जहां तक बात कलाकारों की एक्टिंग की करे तो फिल्म में इरफान खान छाए रहते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि इरफान की बॉडी लैंग्वेज और कॉमिक टाइमिंग हमेशा कमाल की रही है। वहीं राधिका मदान ने भी इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है। पूरी फिल्म में ये एहसास कराया कि वो वाकई इरफान की बेटी हैं और उसके चेहरे की मासूमियत और सपने देखने वाली हकीकत उसको एक आम लड़की से खास लड़की बना देती है। इरफान की अदाकारी के साथ उनका साथ दीपक डोबरियाल ने बखूबी दिया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में की कुशादा, डिंपल कपाड़िया, रणवीर शौर्य, पंकज त्रिपाठी के भी छोटे किरदार हैं जो दर्शकों को पसंद आते हैं। इन सब के साथ एक दो दृश्यों में करीना कपूर भी नजर आती हैं। फिल्म में संगीत सचिन जिगर और तनिष्क बागची का है, जो फिल्म के हिसाब से ठीक है। होमी अज्जानिया की अंग्रेजी मीडियम को आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी तुलना हिंदी मीडियम से करें तो ये फिल्म उसके आगे जरूर फीकी पड़ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इरफान और राधिका मदान की एक्टिंग की तारीफ की जानी चाहिए और आप इसे देखने जा सकते हैं। इस फिल्म को हम देते हैं 3 स्टार्स।